साथियों, रामचरितमानस में आपने पिछले प्रसंग में सुना कि किस तरह सीता जी फिर अपनी बात रखती हैं जब रामचंद्र जी उन्हें वन जाने के लिए रोकते हैं। आगे जारी है। जह लगी नाथ ने अरुनाते पिय बिनुति है तरनी हूते ताते तनु धनु धाम धरिन पुर राजू पत विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक इसने और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू जम जात ना सरिस संसारू प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मो कहूं सुखद कतहूं कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद बिमल विधु बदनु निहारे। और जैसे बिना जीवन के देह और बिना जल के नदी, कैसी ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु बल कल बिमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। और हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और फरड़कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा करिहि सासु ससुर समसारा कुस किसले साथरी सोहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी कि बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमीय आहारु अवध सौध सत सरिस पहारु छिनु छिनु प्रभु पद कमल वेलोकी रहियहु मुदित दिवस जिमिको की। और कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अहिद्या के सैकड़ों राज महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। तो साथियों, जिस तरह राम ने वन का विद्रूप रूप प्रस्तुत किया, वन की जो समस्याएं थी उनको बताया, वहीं सीता जी ने उन्हीं वनों की चीज़ों को किस तरह अपने लिए हितकारी बताया, आपने जाना।